तो मैं समझता हूं शायद उस वक्त भी इंसाफ मिल सकता था, वो मौका गवा दिया हम। समाप्त कीजिए। समाप्त कर रहा हूं, समाप्त तो आपने कर दिया है। क्या कर, समाप्त तो आपकी कृपा से हो गए हैं, अब तो जो बच गए वो ही खड़े हैं। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। आपने कुछ पूछा नहीं कि भाई आप आतंकवादियों के समर्थक हैं या नहीं। आपने देखा कि पंजाब का नंबर किस गाड़ी पे लिखा है, जला दो। अरे मेरे कम्युनिस्ट भ्रा, शायद बहुत ज्यादा धर्म में विश्वास ना रखते हो, लेकिन अगर उनके सिर पर पगड़ी थी उनको भी जला दिया। इसलिए जो बच गए हैं वो ही खड़े हैं, बाकी समाप्त है। हम ये आपको कहना चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक भूल हुई है हमारे हमारे मित्रों से, इधर बैठे हैं आज, हालांकि चैंपियन है सिख काज के लिए लड़ने के लिए, नो डाउट अकाली भाई भी, परंतु 6 साल बीजेपी को समर्थन देना, केंद्र में सरकार में शामिल रह करके इंसाफ ना हासिल कर पाना, यह भी एक, मैं समझता हूं कि उस समय हो सकता था, नहीं हो पाया। और बीजेपी ने नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की नीति में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं। नत्था सिंह, प्रेम सिंह बोथ आर दी सेम थिंग। तो इसलिए हम, और एक एक ऐतिहासिक भूल हुई थी, एक ऐतिहासिक भूल डॉक्टर अंबेडकर के समय पे हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के 7 करोड़ अछूतों को, उस वक्त अछूतों की आबादी 7 करोड़ थी, आज तो 32 करोड़ हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर, अंबेडकर चाहते थे कि जो गुरु नानक की सरबत के भले की आइडियोलॉजी है, जो हिंदू तुर्क को राफ जी इमाम साफी मानस की जात सबे एक के पहचानबो का एजेंडा है, जो एक पिता एक इसके हम बारक का एजेंडा है, जो पै काहे को देतना न पै मानत आन का एजेंडा है, अंबेडकर साहब कहते थे कि इस देश के अंदर जो जाति के आधार पर लताड़े पछाड़े लोग हैं, गुरु गोविंद सिंह कहता था कि इनको मैं सम्मान दूंगा, इन गरीब सिखों को देव पातशाही जग करे हमारी गुरियाई। जिन गरीब सिखों को गुरु गोविंद सिंह सम्मान देना चाहता था, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब उन गरीब सिखों को सिख बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की सिख लीडरशिप ने डॉक्टर अंबेडकर साहब का इंथुजियास्टिक वेलकम नहीं किया। अगर किया होता तो सिख पूरे देश में मेजोरिटी में होता, तो मेजोरिटी में होता तो 1984 में किसी की हिम्मत ना पड़ती कि ये कत्लेआम, समूहित कत्लेआम हो सकता। मैं कंक्लूड कर रहा हूं प्लीज। तो मैं ये कहता हूं ये ऐतिहासिक भूल हुई है सिखों की ओर से, और जो कांग्रेस ने तो आजादी के बाद ही शुरू कर दिया जराइम पे कहना, जराइम पेशा कहना, और जनसंघ ने पंजाबी बोलकर भी हिंदी लिखवाया रिकॉर्ड में, और 6 साल में इंसाफ बीजेपी ने भी नहीं किया। आपके आपसे तो उम्मीद है ही नहीं, गुनाहगार तो कब इंसाफ देगा ही नहीं, ये उम्मीद करना तो कर तो रहे हैं, लेकिन ये तो हो सकता है कि गुनाहगार न्याय ना करे, लेकिन इनसे थी इन्होंने भी नहीं किया। तो इसलिए हम ये आज ये एक एक कुछ हम सजेशन देना चाहते हैं कि लेट अस, अगर आप दिल से चाहते हैं कि हम इसको भूल जाएं, अगर हम दिल से चाहते हैं कि इसको भूल जाएं, तो इसका प्रॉपर डायग्नोस करो, इसका सही इलाज करो, सही ट्रीटमेंट करो। और सबसे पहले भाई आप कंपनसेशन की बात तो कर रहे हैं, इतने मामले सेटल हो गए, इतने रह गए, मैं अब आंकड़ा विज्ञान में नहीं, वो रिकॉर्ड में आ गया, लेकिन हम सजा की बात कर रहे हैं। आपके मंत्रिमंडल में 9 कमेटियां और 1 कमीशन, जिन्होंने ये डिटेल दी है, आपके एक सीनियर मेंबर का नाम इन हत्याओं में शामिल किया है, वो मैं उसका नाम कोट नहीं करूंगा लेकिन रिकॉर्ड में है, वो आपके मंत्रिमंडल में तो हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपने ब्लैक लिस्ट बनाई है,
कुछ लोगों ने विदेशों में पॉलिटिकल असाइलम ली थी, हो सकता है उसमें इकोनॉमी रीजन हो, टेररिज्म रीजन ना हो, तो आप उसको भी रिव्यू करो। उनके भाई बहन मां जब इधर कोई मरती है, एक मैं एक दो मिनट में समाप्त रहा हूं प्लीज, उनके भाई बहन मां रिश्ता नाता जब कोई मौत हो जाती है वो उनका मुंह नहीं देख पाते। अगर आप भूलने की बात करते हो तो उस पर भी विचारो, आप उसको भी भूलो, उस अपनी ब्लैक लिस्ट को भी रिव्यू करो। लेट अस ऑल दोस पीपल्स जिनको हमने जलावतन कर रखा है उनको बुलाओ, उनको यहां उनके परिवार से मिलने का मौका दो। आज महेंद्र सिंह और एक मिनट में प्लीज, एक मिनट में, हम ये हमारी ये सजेशन है कि दोषियों को सजा मिले बिना किसी देरी से मिले, कंपनसेशन मिले, रिहैबिलिटेशन का इंतजाम हो, और जो एक अच्छा कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि जो 25 साल में नहीं हो सका वो आज हमारे होम मिनिस्टर साहब जहां बैठे हैं, ये पूरी सिख कौम को, नेशन को, दुनिया को अश्योरेंस दें कि जो 25 साल में इनसे भूल हुई है, नहीं किया 25 साल में, वो हम अब जल्दी से जल्दी करें। तो मैं यही आपसे उम्मीद रखते हुए कि आप सिख कौम को इस देश में एक सम्मान से जीने का, उनको आगे बढ़ने का, खास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर में माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन को एक प्लानिंग के तहत कम किया गया है, उनको उनको ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि आप इस देश के वासी हैं, पब्लिक सेक्टर में उनकी उनकी जो नुमाइंदगी है उसको इंक्रीज किया जाए। तो मैं यही आपसे उम्मीद रखते हुए, आपने मेरे को समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। श्री राज महेंद्र सिंह मजीता। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका मैं भारी हूं। आपने मुझे एक ऐतिहासिक दुर्घटना जो 25 साल 24 साल पहले हुई थी उस पर बोलने का समय दिया।